हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज आपको कोटड़ी गांव, मतलब सीकर ज़िले में पड़ता है कोटड़ी गांव में आपको दिखाएंगे। सरकार ने सड़क बनाने के चक्कर में लोगों के मकान फोड़ डाले हैं, देखो फूटे हुए हैं, और लोगों को हर जाना भी नहीं दे रहे, मकान तो फोड़ दिए जैसे फोड़ दिए लोगों को। मतलब इनके पास पट्टा नहीं था बेचारों के पास, तो इनको एक रुपया तक नहीं दिया जा रहा है, बेघर कर दिया गया है। और यहाँ पे किराना की दुकान थी, बहुत सारी फ्रूट की दुकानें थी, सब्जी की दुकानें थी, सारी दुकानों का दहेज नष्ट कर दिया गया है। बेचारे देखो सड़कों पे ये अब आवारा घूम रहे हैं, ये देखो ये लड़का है, ये बेचारा आवारा हो गया है। और देखो यहाँ पे ये पट्टी उतार रहे हैं बेचारे, इन्होंने खाना भी नहीं खाया, दो दिन से खाना भी ना खाए हुए हैं। और ये हमारे गाँव का प्रसिद्ध बोधू दादा के नाम से जाना जाता है, इनका मकान भी फूट गया। और अब ये देखो आप यहाँ पे, मतलब सामने ही सरकारी स्कूल दिख रही होगी आपको, सरकारी स्कूल है, खाली इसकी एक भी ईंट भी उतरी हुई नहीं दिख रही। और ये सरकारी गोदाम है जो खाली ग्राउंड है सरकारी, इसकी एक ईंट उतरी हुई नहीं दिख रही। और ये है यहाँ पे टंकी, जिससे कई लोगों को पानी पीने को मिलता था, यहाँ पे 30 प्यासे लोगों को पानी मिलता था। और इधर देखो ये दुकान थी हमारे बोधू दादा के भाई केशव दादा की दुकान थी, जो दुकान को फोड़ दिया गया है, तो अपना रोज़गार करता था छोटी सी दुकान के माध्यम से। और कई लोगों को देखा जाए तो ये मकानों की पट्टी वगैरह उतार रहे हैं, और लोगों की दशा, आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी है। और ये हमारे अर्जन दादाजी हैं। हेलो अर्जन दादाजी, राम राम। अर्जुन दादाजी है तो इनके मकान फूट गए, या बामन बाणियों के मकान हैं, तो इनके देखो बेचारों की ईंट आंट लगा रहे हैं मकानों के, बेचारों की स्थिति ख़राब हो गई। मेरे को तो खूब दया आ रही है यार, क्या करूँ यार भाई। अगर हो सके तो आप इनको चंदा उगा कर बेचारों का भला करें। और देखो बेचारा, और यहाँ पे एक अंडे की दुकान थी बेचारा, अंडे की और मुर्गे की, मुर्गा बेचारे की दुकान खोखा को ही उठा के ले गए, मतलब लकड़ी का खोखा था उसको भी उठा के ले गए, तो क्या करें। आजकल स्थिति बहुत ही ख़राब हो रही है लोगों को, सरकार को पता नहीं क्या सोच रहा है, जो अपने विकास पे ध्यान दे रही है लेकिन विकास के साथ साथ लोगों पे ध्यान नहीं दे रही कि लोगों का भी कुछ ना कुछ भला किया जाए, लोगों को भी मतलब हर जाना तो दिया जाए यार, मकान फोड़ दिए तो फोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को पैसा देना चाहिए। लोग अब बेचारे कहाँ जाएंगे बिना सहारे के, देखो लोग अपने जो मकानों की छत वगैरह, छत पे से पट्टी उतारने में लगे हुए हैं, बहुत ही जो दुखी हैं, बट क्या करें। और यहाँ पे सरकार इनको वार्निंग और दे दे के जा रही है कि आपको मकान फोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो जैसे भी लगा के पूरे मकान उठवा देंगे ये वो। और ये कितनी शानदार हवेली थी यहाँ पे, पहले तो जांगिड़ परिवार से बिलोंग करते थे, जांगिड़ परिवार में ये हवेली थी, तो यहाँ पे हवेली को फोड़ दिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये पेट्रोल पंप बन रहा है, तो पेट्रोल पंप मेन बात ये आती है कि पेट्रोल पंप बन रहा है, तो पेट्रोल पंप की बात ये है कि लोग बोल रहे हैं कि सर सड़क बड़ी होगी तभी हमारा पेट्रोल पंप चालू करेंगे, तो इस वजह से भी सरकार जल्दी कर रही है लोगों के मकान फोड़ने में। और फोड़ती है तब सरकार को कुछ जोर नहीं आता, लेकिन लोग बनाते हैं ना एक एक रुपया एक एक ईंट लगा के, तब लोगों को बताया कैसे बनवाया जाता है। लोग बेचारे बहुत ही दुखी है और बहुत ही, अब देखो ये दुकान देख लो कितनी बड़ी, दिखा श्री श्याम ऑटो पार्ट सर्विस सेंटर जयपुर रोड कोटी द्वारा की, तो ये फोड़ दी जा गई है। लोग अपने मकानों का धंधा फोड़ने, मकान फोड़ने में अस्त व्यस्त है बेचारे, क्या करें। सरकार के आगे कौन लड़ सकता है, किसकी हिम्मत है, और सरकार देखते हैं क्या होता है, अगर जाना देती है या नहीं देती। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे